फ्रेंड्स स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आज मैं आया हूँ मदर बैक्स म्यूजियम के सामने कोलकाता स्ट्रीट फूड और यहाँ पर जो है एक ट्राम रेस्टोरेंट न्यू ओपन हुआ है थर्टी दिसंबर को आप देख पाएंगे ये वाला जो की काफी बढ़िया जो है यहाँ पर एम्बियन फील करवाता है यहाँ पर आइएगा आप जो है टिफिन वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है पुराना मूवी का पोस्टर भी देखने मिल जाएगा ये है दीवार का पोस्टर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है खोटे सिक्के साथ में बंगला मूवी का पोस्टर दिया गया है जवानी दीवानी है चाय गरम है जहाँ पर आप चाय की चुस्की ले सकते हैं और यहाँ पर आपको काफी सुंदर आर्ट देखने में मिलेगा बेसिकली यहाँ पर नाइनटीज के टाइम के कोलकाता को जो है दिखाया गया है आर्ट के फॉर्म में और देखने में ये इतना अच्छा लग रहा है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अगर आप 90s के टाइम में कोलकाता यहाँ पर जो है देखे होंगे तो आपको जो है वैसा ही फील आएगा और सच में ये जो आर्ट क्रिएट किया गया है ये रैली में काफी अच्छा लग रहा है सो so, चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू अंदर के व्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे एकदम जो है बढ़िया व्यू दिया गया ऊपर दो फैन दिए गए हैं और लगभग जो है बीस से पच्चीस जन का यहाँ पर सीट दिया गया है और अंदर बैठकर अगर आप यहाँ पर खाइएगा तो लगेगा जो आप जो है सच में किसी ट्राम में बैठे हुए हैं बस यहाँ पर जो है एक फर्क है ये जो ट्राम रेस्टोरेंट है ये चलता नहीं है चलता तो काफी अच्छा होता एक जगह बैठ कर आपको खाने को मिलेगा बाकी यहाँ पर खाते हुए आप जो है खिड़की के बाहर का व्यू का मजा ले सकते हैं हालांकि व्यू जो है आपको वही सेम देखने को मिलता है बट देखने में ये जो प्लेस है वो सच में जो है पुराने कोलकाता का जो है याद दिला देता है मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेन्यू आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं प्राइस जो है रिजनेबल है काफी ज्यादा मुझे प्राइस नहीं लगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इससे ज्यादा प्राइस होता है प्राइस मुझे ठीक ठाक लगा हम लोग दो थे तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिली चिकेन जो की काफी टेस्टी दिख रहा था इवन यहाँ पर जो है खाने में भी ये काफी टेस्टी था मुझे काफी अच्छा लगा और साथ में पहाड़ी चिकन टिक्का ऑर्डर किया था जहाँ पर जो है हमें रोटी मिला था और छह पीस जो टिक्का मिला था और खाने में जो है काफी अच्छा लगा और यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी आप दो चक्का आइए या फिर चार चक्का लेकर आइए यहाँ पर आप आराम से पार्क कर सकते हैं पार्किंग को लेकर यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं है तो so, ये था कोलकाता स्ट्रीट फूड न्यू टाउन राम रेस्टोरेंट आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा बाकी यहां पर अगर आप आना चाहते हैं तो नीचे डिस्प बॉक्स पे आपको गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा कोलकाता में रहते हैं तो जरूर से एक बार विजिट कीजिए आपको काफी अच्छा लगेगा बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डेफली वीडियो को लाइक कर देगा साथ साथ चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेक बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक दिया जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको जोशन पहुंच जाए क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ बाकी मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए राहुल जसवाल ब्लॉग के साथ